assalamu alaikum. Travel with Babar में दूसरे दिन में खुश आमदी. तो दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन था हैम्बर्ग का. तो आज हमारा प्लान था कि हम मिनिएचर वंडरलैंड जाएं. लेकिन आज कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इस वजह से आज शायद हम ना पहुंच सकें, क्योंकि मिनिएचर का टाइम जो है वो 1 बजे का होता है और हम ऑलरेडी 12 तो बज चुके हैं होटल में. तो अभी देखते हैं, या मौसम भी आज काफ़ी ख़राब है, तो अभी हम प्लान शायद चेंज करें. तो देखते रहिए, हमारे साथ रहिए. तो दोस्तों अभी हम आए हैं हैम्बर्ग के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन में, जो हैम्बर्ग का बानहॉफ जिसको बोलते हैं जर्मन में. और अभी हम आपको थोड़ा सा ट्रेन स्टेशन दिखाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे हैम्बर्ग सिटी की तरफ. थोड़ा सा हम सिटी घूमेंगे और उसके बाद हम आपको हैम्बर्ग का रात हाउस, यानी जो कि सिटी सेंटर है हैम्बर्ग का, वो आपको दिखाएंगे. और उसके बाद हम आपको एक एल्स्टर फाउंटेन में बना एक स्प्रे, पानी की स्प्रे है, वो दिखाएंगे, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 60 मीटर है. तो आइए हमारे साथ रहिए और इंजॉय करें. चलें फिर चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ. तो दोस्तों ये था जर्मनी का हैम्बर्ग का जो है ट्रेन स्टेशन, जो कि आप बाहर से मेरी बैक साइड में देख सकते हैं. ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो जर्मनी का हैम्बर्ग का ट्रेन स्टेशन है. तो अभी हम चलते हैं शहर की तरफ. तो आइए ये ट्रेन स्टेशन देखने के बाद हम चलते हैं सिटी की तरफ. तो आइए देखते रहिए, हमारे साथ रहिए. तो दोस्तों ये था हैम्बर्ग का बाज़ार. और अब हम बाज़ार के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक हमें चर्च की बिल्डिंग, जो बहुत ही दूर से हमें बानहॉफ से नज़र आ रही थी, तो अब हम उसके पास आए हैं. ये बहुत ही प्यारा चर्च है, इसकी मतलब बिल्डिंग बहुत ही कमाल और शानदार है और बहुत बड़ी है. तो एक झलक मैंने कहा कि आपको बिल्डिंग की भी दिखा दें इसकी. तो फिर आइए देखते हैं आगे.
तो दोस्तों अभी हम सारा बाजार गुजर के बिल्कुल आगे आ गए हैं। यहाँ एक और चर्च की बिल्डिंग जो बहुत ही खूबसूरत, इसकी कारीगरी बहुत ही शानदार हुई है और इसकी बुलंदी बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल एंड पे हमें रथ हाउस की बिल्डिंग नज़र आ रही है। रथ हाउस यानी कि जो कमेटी दफ्तर होते हैं हमारे पाकिस्तान वगैरह में, तो इसको ये सारा जो सिटी का होल्ड होता है वो रथ हाउस में होता है। लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ कि बिल्कुल राइट साइड पे मेरे जो वो आपको एरोपा पसाज नज़र आ रहा है, तो इसकी बिल्डिंग बहुत ही शानदार है, ज़्यादातर इसमें ग्लास इस्तेमाल हुआ है। तो आइए हम चलते हैं एरोपा पसाज। सर्दी के मौसम में चिकन सूप नॉट अ बैड आइडिया। तो हमने ये एक चाइनीज़ शॉप है, तो हम इस एरिया में एरोपा पसाजे में बिल्कुल एशियन फूड्स की तरफ आए हैं, जहाँ पे वो हमें एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिला है और एक साइड पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। तो क्योंकि हम पाकिस्तानी इंडियन तो हम खाते रहते हैं, इसलिए हम चाइनीज़ ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हमने एक चिकन सूप लिया है, तो चलिए देखते हैं ये कितना टेस्टी है और इसका क्या जायका है। तो दोस्तों अब हमारा सफ़र जो है वो रथ हाउस की तरफ जा रहा है, तो देखते हैं हैम्बर्ग के रथ हाउस के बारे में भी काफ़ी सुना गया है कि इसकी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बनी हुई है। तो आइए चलते हैं रथ हाउस की तरफ।
तो दोस्तों अभी हम रात हाउस को पूरा देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा दूर से। तो अभी हम बिल्कुल इसकी मुखालफ साइड पे जहाँ हम आए हैं वो है एल्स्टर फाउंटेन। इस लेक का नाम है जो कि हम्बर के बिल्कुल सेंटर से गुज़रती है। और यहाँ हम एक वाटर स्प्रे है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 60 मीटर से भी ऊपर है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो ये देखिए वो स्प्रे, वाटर स्प्रे